खुशादी असल क्या हाल है उम्मीद खैरियत से होंगे पाक सबको अपने पे रखे आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे जूल थॉमसन इफेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनमिना है बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसि है, है इसी वगैरह के अंदर ये फिनोमिना जो आपको ठंडक का फीलिंग जो दे रहा होता है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट का ही उसके अंदर अहम किरदार है तो डेफिनेशन इसके अंदर नॉर्मल लिखा हुआ है कि वैन गैस इज अलाउड टूनली एंटर फ्रॉम ऑफ हायर प्रेशर टू अर प्रेशर थ्रू अल यानी कि इसके अंदर एक सिलेंडर के अंदर मैंने कंप्रेस गैस देखिए गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मैंने करीब किया हुआ लिक्विड नहीं समझिएगा ये गैस को ही ना मैंने बहुत दबाकर करीब करीब कर दिया तो अगर मैं पूछूं यहां पर प्रेशर कैसा है तो फिलहाल अभी आप इसको हम यही लेते हैं कि भाई ये हाई प्रेशर है यहां पर अब यहां पर हमने छोटा सा लीकेज कर दिया नोजल का मतलब है कोई बारीक सा सुराख होगा उसके अंदर से गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो इस जगह से गैस के मॉलिक्यूल हमने एक होल किया और गैस के मॉलिक्यूल यहां से निकलना शुरू हुए तो जब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ निकलेंगे तो बिखर जाएंगे कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा तो अंदर था कंप्रेस फॉर्म में ये गैस के मॉलिक्यूल अंदर कंप्रेस फॉर्म में था जब यहाँ से बाहर निकला तो बाहर निकलने के नतीजे में ये एक्सपेंड हो गया यहाँ पर तो यहाँ पर यही लिखा हुआ इट एक्सपेंड जब तक अंदर था कंप्रेस था जैसे ही बाहर निकला वो हमारे पास फैल गया एक्सपेंड हो गया अब ये फैलता क्यों ये सारी चीजें हम प्रिंसिपल के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे अभी सिर्फ डेफिनेशन का मतलब समझना चाह रहे उसके लिए डिटेल जानने के लिए फिर इन चीजों को हमें जानना पड़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकले यहाँ पर जैसे ही बाहर निकलेंगे वो एक्सपेंड हो जाएंगे एक्सपेंड होने के नतीजे में अंदर जो प्रेशर था लो था जब मॉलिक्यूल बाहर निकला तो यहाँ पर सॉरी अंदर था तो प्रेशर हाई था जब मॉलिक्यूल बाहर निकला तो अब ये प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल बिखर गए वॉल्यूम बढ़ गया बॉयल्स बॉय ऐसे ही होता वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन डिवाइड बाई पी वहां के मुताबिक भी चेक करो यहाँ छोटे से जगह में गैस बनते थे यहाँ वॉल्यूम कम था वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा था जब बाहर निकला तो वॉल्यूम बढ़ गया गैस एक्सपेंड हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो बाहर वाला जो जगह नजर आ रहा है यहाँ पे प्रेशर लो है तो डेफिनेशन के अंदर वह अ कंप्रेस गैस इसके अंदर जो गैस कंप्रेस किया हुआ इज अलाउड टू अ सडनली अचानक से जब इसे बाहर निकाला गया इंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर हाई प्रेशर से किस तरह मूव हुआ वो लो प्रेशर थ्रू अ नोजल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है नोजल नहीं होगा ना तो फिर ये वाला फिनोमिना नहीं होगा ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे एक चीज करके भी दिखाऊंगा और आपसे करवाऊंगा भी आइडिया हो जाएगा इट एक्सपेंड एंड काउज अ फॉल इन टेम्परेचर ये जो एक्सपेंड होता है एक्सपेंड होने की वजह से एक काम होगा इसके अंदर फॉल इन टेम्परेचर जब भी टेम्परेचर फॉल होता है फॉल का मतलब गिरना टेम्परेचर का कम होना टेम्परेचर जब भी कम होगा तो वहाँ पर ठंडक होगी जैसे अगर जून जुलाई का महीना है अगर गर्मी है तो टेम्परेचर चालीस डिग्री 42 डिग्री पचास डिग्री यहाँ पर पहुँचा हुआ दिखता है लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो टेम्परेचर डाउन जैसे सर्दी वगैरह के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है अगर टेम्परेचर 20 हो तो वहाँ पे ठंडक का एहसास होता है अगर 15 हो जाए तो और ज़्यादा ठंडक का एहसास होता है अगर 10 डिग्री हो जाए तो और ठंडक का एहसास होता है और अगर जीरो डिग्री हो जाए तो फिर तो बर्फ वगैरह नॉर्मल एरिया वगैरह में जमना स्टार्ट होता है यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि कूल्ड होना तो फॉल इन टेम्परेचर का मतलब हुआ कूल्डनेस ठीक है कोई चीज़ का कोल्ड होना क्योंकि फ्रिज वगैरह के अंदर ऐसे ही होता है वहाँ पे कंप्रेस गैस होता है फिर कंप्रेस गैस उसके अंदर आपने को अगर पीछे देखा हो तो इस तरह से पाइपें वगैरह फ्रिज में लगी रहती है फिर वो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करते हुए जाते हैं कंप्रेशर वगैरह कंप्रेसर भी लगा हुआ रहता है फ्रिज के अंदर फिर वो ऊपर जाता है ऊपर जाने के बाद वो अचानक से बाहर निकलता है बाहर निकलने की वजह से ऊपर वाले हिस्से में आपको ठंडक का एहसास होता है अब नोज़ल का लाजमी है नोज़ल नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा अगर एक नॉर्मली अगर नॉर्मल लाइफ में चीज़ अगर आप करोगे इस तरह से अपने हाथ पे फूक मारिए मुंह को यानी कि पूरा खोलिए बिल्कुल हल्का से यूं तो आपके हाथ में ठंडक का एहसास आएगा वहां पर भी ये फिनोमिना चल रहा होता है कंप्रेस गैस को हम बाहर निकाल रहे होते थ्रो नोजल यानी कि जो आपका मुंह होता है जब इसको बिल्कुल बारीक सा खोलते हो तो ये नोजल का काम कर रहा होता है लेकिन अगर इसी के बरक्स आप मुंह से दोबारा गैस निकालें लेकिन गैस निकालने के नतीजे में अब आप एक काम करिए मुंह को थोड़ा सा नहीं खोलिए बल्कि यूं करिए तो आपको यहां पर ठंडा हवा नहीं मिलेगा आपको गर्म हवा मिलेगा ये आप करके खुद फील कर सकते हो दोनों तरीके से आप करिएगा ब्लो जो आप कर रहे हो अपने मुंह से दो तरीके से एक में वाला और एक में हा ये वाला तो दोनों के अंदर जो जो मुंह यू कर रहे है ना मुंह नोजल की तरह कर कर तो यहां पे जूल थॉम्सन इफेक्ट अप्लाई हो रहा है यहां पे जो गैस निकल रहा है एक थो छोटे से नोजल से निकल रहा है होल से निकल रहा है जब ये तेज़ी में निकल रहा होता है जब होल वगैरह आप छोटा कर देते हो प्रेशर वगैरह अंदर बढ़ जाता बाहर निकलता रो वो प्रेशर पूरा फिनोमिना हो रहा होता है लेकिन जब आप पूरा मुँह खोल कर करते हो तो जो वो प्रोसेस नहीं हो पाता जो गैस के मॉलिकल स्पीड से निकलने चाहिए और जो अंदर क्योंकि हमारे अंदर जो ईयर है ना वो गर्म होता है जब पूरा मुंह खोल कर करते हो तो फिर वहां पे ये पर अप्लाई नहीं होगा जूल थॉमसन इफेक्ट का तो नोजल वाला वर्ड लाजमी डेफिनेशन के अंदर लिखना भी होता है अब ये प्रिंसिपल चेक करते हैं कि ये वर्किंग किस तरीके से हो रहा होता है इसके अंदर तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी बॉन्ड बनता है यानी कि दो मॉलिक्यूल या कोई भी चीज है अगर ये आपस में जुड़ रहा है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के नतीजे में अट्रैक्शन डिवेलप होता है जब ये दोनों करीब आएंगे तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो अट्रैक्शन डिवेलप होगा यहाँ पर अंट्रेक्शन डिवेलप होने का मतलब करीब आएगा ना तो कंट्रक्शन वो सुकड़ने लगेगा यानी कि देखो ना इतने सारे मॉलिक्यूल को हमने कंप्रेस करके करीब किया ना कंट्रक्शन कंट्रक्शन का मतलब सुकड़ जाना वो करीब आ जाएगा जिसकी वजह से जो गैस नज़र आ रहा है ना वो हीट अगर मैं पूछूँ इसके अंदर हीट गैस गर्म गैस कौन है तो अंदर वाला जो गैस है वो गर्म होता है फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर गैस को अपनी तरफ अंदर खींचता है तो उस टाइम वो गैस गर्म ही हो जाता है फिर वो ऊपर पाइप के थ्रू तो जा रहा होता है तो जो कंप्रेशर से जो गैस आपके पास पाइप के अंदर आता है वो तो गर्म गैस होता है तो कंट्रेक्शन और इसके अलावा वो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है ये कुछ चार चीजें बॉन्ड के बनने पर बात हो रही है कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन डेवलप होता है कंट्रेक्शन होता है जिसकी वजह से अंदर हीटिंग आता है जितना करीब गैस के मॉलिक्यूल आते रहेंगे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उसके अंदर और अंदर हीट बढ़ता जाएगा यानी कि टेम्परेचर अंदर बढ़ता जाएगा और एनर्जी रिलीज करता है बॉन्ड के बनने से हमेशा एनर्जी रिलीज होता है ये फिनोमिना आप लोग याद रखिएगा आगे भी काम आता ही है इसी के बरक्स उल्टा नजर आ रहा है कि कहीं पर बॉन्ड बना हुआ है पहले से इसके अंदर बॉन्ड बना हुआ है। अगर इसको मुझे ब्रेक करना है क्योंकि अट्रैक्शन मौजूद है तो अब इसको तोड़ने के लिए इसको जुदा करने के लिए एक दूसरे से अलग करने के लिए मुझे एनर्जी इसके अंदर लगाना पड़ेगा मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये बॉन्ड अलग होगा जैसे कोई मैग्नेट है ना मैग्नेट चिपका हुआ है मैं इसको बोलूंगा ए मैग्नेट अलग हो जा मैग्नेट कभी अलग नहीं होगा मैग्नेट को एक दूसरे से जुदा करने के लिए मुझे उसके अंदर फोर्स लगाना पड़ेगा जब फोर्स लगाऊंगा उसके अंदर अपना यानी कि एनर्जी लगाऊंगा तो एनर्जी लगाने के बाद वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये रहा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग में अट्रैक्शन भी ब्रेक होता है अट्रैक्शन ब्रेक होगा ये मॉलिक्यूल करीब करीब है तो ये फैलना शुरू हो जाते हैं यकीन ये मॉलिक्यूल करीब करीब है ये इतना सा वॉल्यूम लिया हुआ जब मैं इसको अलग करूंगा तो एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा ये एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सपेंड होने की वजह से कूलिंग वगैरह होगा और एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब यकीन ये जो अलग किया है ना तो मैंने इसके अंदर कोई एनर्जी दिया होगा अब ये एनर्जी कौन सा चलेगा तो नॉर्मल इसके अंदर हीट एनर्जी चलेगा क्योंकि यहाँ पे सारा काम ना हॉट और कूल्ड का है तो हॉट और कूल्ड यही होता है हीट की वजह से होता है कि अगर किसी चीज़ के अंदर से बहुत ज़्यादा हीट निकाल दिया जाए तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है और अगर किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट डाल दिया जाए तो वो गर्म हो जाती है तो सारी बातें इसके अंदर हीट वगैरह के लिए तो हीट एनर्जी जैसे यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो ये हीट एनर्जी के लिए क्योंकि लाइट एनर्जी भी हो सकता है एनर्जी का अंदर बहुत से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है साउंड एनर्जी भी हो सकती है लेकिन यहाँ जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ये सारा का सारा ये रहा फॉल इन टेम्परीचर टेम्परेचर का ताल्लुक़ किससे हीट से तो हीट एनर्जी के हवाले से यहां बात कर फिर बाकी टेम्परेचर फॉल डिफरेंस ऑफ अट्रैक्शन इसको हम बाद में देखेंगे अब आते हैं इसको और मजीद क्लियर करने के लिए किस तरह से सारा फिनमिना हो रहा होता है और कंप्रेस गैस बाहर निकलता है तो उसके अंदर क्या सिचुएशन चल रहा होता है अच्छा इसके लिए एक दो वीडियो एक वीडियो होगी मेरे चैनल के अंदर होगी सिस्टम एंड सराउंडिंग के आप देखना चाहो तो देख सकते हो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने में सिस्टम एंड सराउंडिंग के नाम से आपको एक मिलेगा सिस्टम के मैं अगर शॉर्ट में अगर समझना है तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो जिस चीज़ के बारे में आप स्टडी कर रहे होते हो वो सिस्टम कहलाता है तो उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं जैसे अगर मेरा स्टडीज़ मार्कर के लिए तो ये मार्कर मेरे लिए सिस्टम बन गया अगर मेरा स्टडीज़ गैस के लिए तो ये गैस मेरे लिए सिस्टम बन गया गैस के अलावा जो बाहर की चीज़ें वो मेरे लिए सराउंडिंग हो जाएगी तो ये एक दो और बाकी डिटेल समझना है तो वीडियो के अंदर मिल जाएगा लिंक इसी वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा मैं अब आते हैं कंप्रेस गैस का किस तरह से कहानी है अच्छा ये गैस हमारे पास यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि भाई इस कंटेनर के अंदर गैस अभी मौजूद है इस गैस को मैंने कर दिया कंप्रेस ठीक है ये मैंने किया यहाँ पर कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो कंप्रेस का मतलब गैस के मॉलिक्यूल को मुझे करीब करीब लाना पड़ेगा जितना करीब करीब आ सकता है ध्यान रखते हुए ठीक है इतना करना है कि वो लिक्विड में ना बन जाए आपने उसको गैस पे ही फिलहाल रखना है ये गैस के मॉलिक्यूल को मैंने कर दिया यहाँ पर कंप्रेस कंप्रेस करने के बाद अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पर एकस, ए, मतलब कि नोजल के थ्रू इसको मैंने बाहर निकाल दिया तब ये गैस, गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही यहां से बाहर अच्छा अंदर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन भी होगा कंप्रेस किया ना तो अभी हमने बाहर नहीं निकाला है अभी पहले इसको अंदर की चीजों को हम देख लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जितना करीब करेंगे तो अंदर अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा जितना ज्यादा कंप्रेस करना इसके अंदर कर दिया इधर भी अट्रैक्शन है इधर भी अट्रैक्शन है, है तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स आ गया है यहाँ पर जितना करीब लाएंगे ये रहा आई एम एफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस वगैरह के अंदर भी और रियल गैस में भी पड़ा था कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं और वहां पर अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है यहां पर अट्रैक्शन जितने भी रेड कलर के बने हुए हर मॉलिक्यूल के दरमियान होगा इसके दरमियान भी इसके दरमियान भी इसके दरमियान भी हर मॉलिक्यूल का यहाँ पर एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन लगा हुआ होगा ठीक है मुकम्मल तो मैं नहीं बना सकता यहाँ पे बस आप आइडियली याद रखिएगा हर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन है अब इस मॉलिक्यूल को मैंने इसके अंदर से बाहर निकाला इसको एक्सपेंड किया यहाँ पर एक्सपेंड करने के नतीजे में जब ये बाहर निकलेगा गैस का मॉलिक्यूल तो अब इसको अलग होना है अलग होने के लिए इसको एनर्जी चाहिए जब बाहर निकलेगा एक्सपेंड होगा बॉन्ड ब्रेक करेगा ये अब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ये जो सराउंडिंग नजर आ रहा है ना क्योंकि अंदर तो गैस के मॉलिक्यूल थे अब ये जब बाहर निकले तो बाहर जो सराउंडिंग है सराउंडिंग का अपना कोई ना कोई एनर्जी होगा वो सराउंडिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन ऐसे खत्म नहीं होगा अभी बताया था ना कि दो मैग्नेट है मैग्नेट अगर चिपके हुए हैं तो उसको अलग करना है तो खुद से अलग नहीं होगा आपने उसके अंदर कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा जब ये गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस अंदर जो कंप्रेस फॉर्म पर मौजूद है बाहर निकलेंगे एक्सपेंड होने जाएंगे तो इसको कोई एनर्जी दरकार होगा ये सराउंडिंग का एनर्जी गेन कर लेगा जैसे ही ये सराउंडिंग का एनर्जी गेन करेगा तो ऑटोमेटिक सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की थी कि इसका ताल्लुक होता है कि टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर जब सराउंडिंग का जो अपना एनर्जी वगैरह यू भी लिख सकते हो या तो एनर्जी से एनर्जी सारा बनते हुए ही चीज मैंने एक चेन बनाए हुए टेम्परेचर बढ़ाते है तो अंदर हीट बढ़ता है हीट बढ़ने से विलोसिटी बढ़ता है एनर्जी बढ़ता है तो डायरेक्ट रिलेशन है है तो जब ये बाहर आएगा गैस के मॉलिक्यूल तो एटमोस्फियर के अंदर या सराउंडिंग का जो एनर्जी है वो मदद करेगा इसको अलग होने के लिए ये गैस एक्सपेंड हो जाएगा ये जो मॉलिक्यूल अंदर दिख रहा है एक मॉलिक्यूल इधर आएगा एक मॉलिक्यूल इधर चल, चल, चल जाएगा कोई कहीं चल जाएगा कोई कहीं चल जाएगा कोई कहीं चल जाएगा कोई कहीं ये कैसे अलग हुआ खुद से तो अलग नहीं हुआ होगा इसने सराउंडिंग का एनर्जी लिया है जब सराउंडिंग का एनर्जी लेगा पहले अगर यहां पे टेम्परेचर पच्चीस डिग्री था तो अब ये गैस का मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकला सराउंडिंग का एनर्जी इसने लिया सराउंडिंग का एनर्जी लेने का मतलब सराउंडिंग का एनर्जी कम हुआ सराउंडिंग का एनर्जी कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है हीट एनर्जी कम होगा तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम हो जाएगा ये जगह ठंडक वाला हो जाएगा यहाँ पर यही चीज फ्रिज वगैरह के अंदर भी मौजूद होता है कि गैस के पाइप वगैरह जो लगा रहता है यहाँ से कंप्रेस गैस जब अंदर गुजार ये पाइप इस तरह से फ्रिज के पीछे दिखिएगा पाइप आपको नजर आ रहा होता है तो यहाँ से कंप्रेसर वगैरह लगा रहता है वो गैस के मॉलिक्यूल को अंदर ऐड करता है अब अंदर मौजूद जब गैस होता है ना कंप्रेस होता है तो ये कूल्ड गैस, गैस होता है सॉरी हॉट गैस होता है क्योंकि कंप्रेस जब होता है ना गैस के मॉलिक्यूल करीब आते हैं अट्रैक्शन डेवलप होता है अट्रैक्शन डेवलप होने का मतलब है कि वहां पर एनर्जी रिलीज वगैरह होना स्टार्ट होती है और जो पाइप होगा ना फ्रिज का वो हमेशा ठंडा होता है आप जब देखिएगा फ्रिज के पाइप सॉरी फ्रिज का जो पाइप होता है वो आपको गर्म होता है कभी चेक करना हो तो आप बटन वगैरह स्विच वगैरह बंद करके जब हाथ लगाइएगा पीछे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गर्म होता है तो ये गर्म होता है फिर यहाँ से इसको ऊपर ऊपर गैस के मॉलिक्यूल जाते हैं फिर ये ऊपर जाने के बाद अचानक से यह नोजल वगैरह लगा रहता है नोजल टाइप का और ऊपर वाले खाने में जो फ्रिज वगैरह जो यहाँ पर भी मौजूद है वहाँ ये अचानक से एक्सपेंड होता है एक्सपेंड होने की वजह से ऊपर वाले खाने में जो भी टेम्परेचर वगैरह होता है जो गर्म टेम्परेचर होता है जो हीट होता है वो हीट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ ये एक्सपेंड होता है और ऊपर वाला जो खाना है या फ्रिज का जो भी हिस्सा जहाँ ये गैस जाके एक्सपेंड हो रहा है उस जगह में ठंडक का एहसास आता है उस जगह को ये कूल कर देता है यही काम हमारे पास भी जैसे मैंने भी कहा कि जब आप गैस को बाहर निकाल रहे हो तो गैस बाहर निकल रहा है इसको नोजल की तरह जब आप काम कर रहे हो तो जब ये अचानक से बहुत तेजी में जब इस तरह से कर रहा हूं मैं तो बहुत तेज़ी में गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे बाहर निकलने के बाद फौरी तौर पर वो एक्सपेंड होना चाह रहे अब एक्सपेंड होने के लिए लाजमी है कि उसको कहीं से एनर्जी चाहिए होगा तब ये इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा एटमॉस्फेयर का एनर्जी उठाना शुरू कर देगा ये जैसे ही एटमॉस्फेयर का एनर्जी उठाएगा तो ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर की वजह से इस जगह में यकीन मेरा हाथ एटमॉस्फेयर था मैंने गैस को बाहर निकाला गैस पे मेरा स्टडी था गैस मेरे लिए सिस्टम था अभी इसलिए मैंने कहा सिस्टम सराउंडिंग वहां देखना है तो देख सकते हो हाथ मेरा सराउंडिंग था मेरे हाथ का एनर्जी इसने उठा लिया और हाथ का एनर्जी लेकर वो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होकर फैल गए और हाथ में मेरे ठंडक का एहसास आना शुरू हो गया इसी तरीके से बाज़त बॉडी स्प्रे वगैरह भी जब हम कर रहे होते तो उसमें भी यही होता है कि छोटे से होल से जब गैस के मॉलिक्यूल वगैरह जब स्प्रे कर रहे होते तो उस पर भी जब मॉलिक्यूल निकलते हैं ना तो अंदर बहुत तेज़ी में अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है बाहर का प्रेशर जैसे ही मॉलिक्यूल बाहर अगर बॉडी में आप स्प्रे कर रहे हो तब तो उसको अलग होने के लिए एक्सपेंड होने के लिए कोई एनर्जी दरकार होगा मॉलिक्यूल को दूर दूर जाने के लिए अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा वो बॉडी का एनर्जी उठाना शुरू कर देता है जैसे ही बॉडी का एनर्जी उठाएगा तो जिस जगह से वो एनर्जी उठाता है लेकिन आप बॉडी स्प्रे यहाँ करोगे तो ठंडक यहाँ होगा यहाँ पैरों में या तो इस जगह में कहीं आपको फील नहीं होगा कि यार स्प्रे यहाँ कर रहे हो ठंडा यहाँ लग रहा है आपको वो इस जगह का एनर्जी उठाता है तो ये सारा जो फिनोमिना होता है इसी को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट तो डेफिनेशन अगर दोबारा पढ़ना चाहो तो यही पूरी चीजें लिखी हुई कि गैस इज अलाउड टू अडनली इंटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ अ लो प्रेशर थ्रू नोजल नोजल का इस्तेमाल करना लाजमी है बार बार कह रहा हूं अगर वो छोटा सा होल के बगैर अगर आप बड़े होल से यू कन्वर्ट किया काम नहीं करेगा वहां पर और इट एनर्जी मतलब को उठाया है एनर्जी कम हो गया एनर्जी कम हुआ तो टेम्परेचर कम हो गया टेम्परेचर गिर गया फॉल हो गया जिसकी वजह से उस जगह में कोल्डनेस हो गया वहां पर कुल्ड cool आ गया दिस इज नाउन एज जूल थॉम्सन इफेक्ट इसी इफेक्ट को हम जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं एक इनके दरमियान रिलेशन बना हुआ है टेम्परेचर जितना ज्यादा वो सॉरी डिफरेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिफोर एंड आफ्टर उतना ज़्यादा टेम्परेचर फॉल करता है इसको समझने के लिए इधर कुछ मैं डायग्राम जैसा बना रहा हूँ उसको बनाने के बाद आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा इसमें जो लिखना है आप लोग लिख लीजिए अच्छा कुछ डायग्राम यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने बनाई इसको आपने समझने की कोशिश करना है उसके बाद आपको उम्मीदें समझ में आ जाएगा देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान होते हैं

तो अगर मैं इसके अंदर चेंज निकालूंगा डिफरेंस निकालूंगा डिफरेंस इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल 200 का इसके अंदर आया ठीक है यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डेल्टा जो साइन है डिफरेंस के लिए ये होता है इधर भी चेक करिए यहाँ पर कितने का आया भाई यहाँ पर जो डिफरेंस आया फाइव था कंप्रेशन जब था गैस कंप्रेस था जब उसको दूर दूर किया एक्सपेंड किया तो 150 में चला गया इसके अंदर जो डिफरेंस आया डेल्टा एफ ओ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ये आ गया यहाँ पे थ्री फिफ्टी का अगर आप गौर करोगे इसके अंदर ज़्यादा एटमॉस्फेयर का एनर्जी किसने लिया होगा ऊपर वाले ने या नीचे वाले ने तो भाई नीचे वाले ने ज़्यादा लिया होगा क्योंकि यहाँ पर ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हुआ पहले पाँच सौ था बाद में कितना हो गया एक सौ पचास हो गया इसने एटमॉस्फेयर का जो एनर्जी है जो सराउंडिंग का एनर्जी है इसने बहुत ज्यादा ले लिया होगा ये उतना ज्यादा नहीं लिया जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना जा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया यहाँ पे तीन का डिफरेंस आया और यहाँ डिफरेंस ज्यादा आया इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो स्टार्टअप में इस पर भी फिफ्टी था और इसको भी मैंने फिफ्टी रखा था इसने कम एटमॉस्फेयर का एनर्जी लिया होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम गिरेगा यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर होगा वो बाद में हो सकता है जब ये मामलात हो गया हो तो हो सकता है कि यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया हो इस सराउंडिंग का टूटने के बाद एक्सपेंड होने के बाद लेकिन इसने एटमोसफियर का ज्यादा एनर्जी लिया इसने साढ़े तीन सौ एनर्जी इसके अंदर डिक्रीज करवाया तो फिर एनर्जी एटमॉस्फेयर से भी भर कर लिया होगा इसने तो यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरेगा और यहां पर कुछ करीब करीब हो सकता है सॉरी फिफ्टी तो था बाद में हो सकता है कि ये चले जाए टेन डिग्री सेल्सियस पे तो यही इसके अंदर बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कुछ में ज़्यादा डिफरेंस है इसमें या इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें सॉरी इसमें कम डिफरेंस आया इसमें ज़्यादा डिफरेंस आया जब डिफरेंस ज़्यादा आया तो टेम्परेचर भी उसी में ज़्यादा गिरेगा अगर मैं इन दोनों के दरमियान भी अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको तो कितने का डिफरेंस आया सिर्फ ट्वेंटी फाइव का आया ट्वेंटी फाइव डिग्री ये गिराया है, इन दोनों को चेक करिए कितने का टेम्परेचर कितना डिग्री गिराया है पचास से दस में आ गया है फोर्टी डिग्री इसने यहाँ पे चेंज किया है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा कम हो यानी कि डिफरेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नीचे की तरफ आया है यहाँ पे डिफरेंस कम है तो अट्रैक्शन भी उतना कम आया तो ये इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है जो आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ था एम वगैरह में कभी आपसे पूछा भी जा सकता है तो यही सारा जो फिनोमिना है यही प्रिंसिपल जो अप्लाई हो रहा होता है डिफ्रीजर के अंदर हो रहा होता है फ्रिज के अंदर हो रहा होता है और दुनिया भर के बहुत सारे जगहों में ये काम हो रहा होता है इफेक्ट का वर्किंग तो ये आपका टॉपिक यहां मुकम्मल होता है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज